पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ और भक्तमाल कथा हेतु एक प्रेस वार्ता का आयोजन स्वतंत्रता सेनानी भवन निकट कंपनी बाग में किया गया। श्री परिवार पीठाधीश्वर पंडित कृष्णा स्वामी और मथुरा धाम से पधारे रसिक आचार्य पंडित नंद किशोर पांडे ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। साथ में अरविंद अग्रवाल जोनी, सुधीर श्रीवास्तव, हरि गोपाल शर्मा, अवनीत सक्सेना, के गुप्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में बताया गया कि 16 फरवरी से 29 फरवरी तक श्रीधाम मथुरा से पधार रहे पंडित नंद किशोर पांडे भक्तमाल कथा का श्रवण करवाएंगे और 16 फरवरी को कलश यात्रा प्रातः 12 बजे से स्वतंत्रता सेनानी भवन से मनोरंजन सदन तक जाएगी। माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी माँ का यज्ञ है और वर्षों से ये होता आया है कि हम लोग 29वें वर्ष में हमने प्रवेश किया है। भारतवर्ष में एक ऐसा यह अद्भुत यज्ञ है जिसके विभिन्न प्रकार के औषधियों के द्वारा हम यज्ञ करते हैं और हमारा जो सर्वप्रथम जो हमारा संकल्प होता है उस संकल्प का प्रथम हमारा जो होता है वो देश के जो रक्षा करने वाले जो वीर जवान हैं जब वो रात में जगते हैं हम लोग सोते हैं हमारा प्रथम संकल्प उनके लिए होता है। और उसके बाद हमारे प्रहरी हैं हमारे देश के वीर जवान से लेकर के हमारे जितने भी काम करने वाले लोग उनके लिए होता है। मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश में जो पर्यावरण जो खराब हो जाता है वो यज्ञ से ही होता है और इसके निमित्त वर्षों से यज्ञ करते हैं और 29वां ये वर्ष है हम लोगों का और इसमें मुरादाबाद की जनता बड़ी भागी है कि मैं कई शहर से अभी होके आया हूँ। मैं अभी अयोध्या में था, फिर गोरखपुर में थे, फिर काशी विश्वनाथ मंदिर थे। वहाँ सर्वत्र एक जरूर चर्चा हुआ करती थी कि मुरादाबाद में जो महायज्ञ बगलामुखी का महायज्ञ होता है उस तरह की विधि बहुत कम देखने को आई है। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि इस स्थान पर आकर के इस यज्ञ को संपन्न कराते हैं और मुरादाबाद की समस्त जनता से यही आग्रह है कि इस यज्ञ में कोई जाति प्रथा नहीं है, किसी भी जाति का कोई भी वर्ण का व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो सकता है, यज्ञ में आहुति दे सकता है। और वर्षों से बड़े बड़े संत यहाँ पर आए हैं और सभी संतों ने यहाँ पर आकर के हमारे मुरादाबाद की जनता को अपने अपने आशीर्वाचन दिए हैं। इस मुरादाबाद की भूमि को मेरा प्रणाम। इस भूमि पर इस स्थान पर निवास करने वाले सभी एक एक जीव को मेरा प्रणाम, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास भी यही कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान निवास करते हैं, भगवान वास करते हैं। जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने बताया है, माँ भगवती जगत जननी, माँ पीताम्बरा बगलामुखी, इनका स्मरण करना भी हर किसी के वश की बात नहीं होती है। और इतना बड़ा ये यज्ञ इसको कराते हैं, वर्षों से कराते आ रहे हैं, ये कोई साधारण बात तो हो नहीं सकती है। इसमें निश्चित रूप से ही माँ भगवती माँ बगलामुखी की बड़ी ही अपार इनके ऊपर कृपा है। हमको बड़ा ही आनंद आया, मन गदगद हो गया। इस बार भक्तमाल कथा के लिए हमको श्रीधाम मथुरा वृंदावन से यहाँ पूज्य सभी लोगों के द्वारा बुलाया गया और इस यज्ञ में हम भी अपने जीवन को धन्य बनाएंगे और मुरादाबाद की भूमि पर जितने भी लोग भक्त श्रोता, जैसा कि अभी महाराज श्री ने बताया, यहाँ किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ आ जाती है कि इन लोगों को यहाँ आना है, उन लोगों को नहीं आना है। इस यज्ञ में किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं है। जो भी व्यक्ति इस धर्म से जुड़ रहा है, हमारे इस धर्म से जुड़ना चाहता है, वो प्रत्येक जीव प्रत्येक मनुष्य किसी भी रूप में इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के अपनी आहुति प्रदान करके और अपने जीवन को सफल बना सकता है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।